फेसबुक एड्स कोर्स के इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि फेसबुक रीच एड्स और ब्रांड अवेयरनेस एड्स में क्या डिफरेंस होता है, कब आपको कौन सा एड चलाना चाहिए और इनमें क्या फायदे हैं। दोस्तों, मैक्सिमम लोग, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूं, हम मल्टीपल बिजनेसेस के लिए एड्स चलाते हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, लोगों को ब्रांड अवेयरनेस और रीच एड्स के बीच में जो बारीक फर्क है ना, ज्यादातर पता नहीं होता। ब्रांड अवेयरनेस को रीच समझ लिया जाता है या रीच को ब्रांड अवेयरनेस समझ लिया जाता है, या कई बार इन दोनों ही एड्स को इग्नोर कर दिया जाता है, सीधा लीड्स लाओ, सीधा कन्वर्जन लेकर आओ, मगर ये गलत है। तो इसलिए मार्केटिंग फंडास फेसबुक का ये लेटेस्ट कोर्स इसलिए लाया कि ताकि आपको और ज़्यादा इन डेप्थ हम सिखा सकें, डिटेल्ड में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ आप यहाँ सीख पाओ, बिगनर टू एडवांस लेवल आप बन पाओ, एक्सपर्ट बन पाओ, अपने बिजनेस करियर में इसकी हेल्प ले पाओ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपको ओवरऑल फेसबुक पे मार्केटिंग करने की स्ट्रेटेजी में, सेल्स लीड्स लाने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल से 50 से ज़्यादा डिजिटल और टेक्निकल कोर्सेज में से कुछ भी सीख सकते हो, जो भी आप सीखना चाहो। और आगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक रीच वर्सेस ब्रांड अवेयरनेस एड के बारे में। गाइस, रीच कैंपेन हमें कब चलाना चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस हमें कब चलाना चाहिए और क्या डिफरेंस है रीच और अवेयरनेस के अंदर। गाइस, आप कभी भी फेसबुक एड्स के अंदर कैंपेन क्रिएट करते हो तो वहां पर आपको अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव मिलता है, ठीक है। और अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको दो यहाँ पर टाइप्स मिलते हैं, ठीक है, रीच एंड ब्रांड अवेयरनेस। तो ब्रांड अवेयरनेस और रीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझते हैं हम लोग यहाँ पर, और हम प्रैक्टिकल लेवल पे भी देखेंगे कि क्या क्या हमें ऑप्शंस मिलते हैं। गाइस, ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव्स आर डिजाइन टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू पे अटेंशन टू देम। उनको हम एड्स दिखा रहे हैं जो जिनकी चांसेस हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर देखने की, ठीक है। तो यहाँ पर हम अवेयर कर रहे हैं सेम यूजर को दिखा के, राइट। वहीं अगर हम रीच की बात करें तो यहाँ हमारा क्या होता है, जब हमारा गोल रहता है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स को टारगेट करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा रीच हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी एड्स जो है पहुंचे। यहाँ सिर्फ हमारा गोल रहता है पहुंचाने का, रीच करने का, पहुंचने का। अवेयरनेस में क्या है कि हम उनको ऑडियंस को दिखा रहे हैं, यानी कि जो अटेंशन कर रहे हैं, मतलब हमारे पोस्ट के साथ वो उनके चांसेस हैं वहां पर देखने की एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पर हम वो चीजें कर रहे हैं, ठीक है। वहीं हम बात कर रहे हैं रीच की, तो रीच में हमारा सिर्फ टारगेट है कि हम लोगों तक पहुंचे, और उसमें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो हमारे एड्स को कैसे देख रहे हैं, मतलब वहां पर भी हम अपनी कैपिंग सेट कर सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी कैपिंग सेट कर सकते हैं कि जिस जहां तक हमारी ऑडियंस को हमारा एड पहुंच रहा है वहां पर उस ऑडियंस को दिन में 2 बार देखे, 5 बार देखे, 1 बार देखे, ये चीजें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वीक में कितनी बार देखे, मंथ में कितनी बार देखे, तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में कवर करते हैं। तो सीधा आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर हमने एक साइड हमने ओपन कर लिया, दोनों टैब में हमने कैंपेन ओपन कर लिया, राइट। यहाँ पर हमारा एड्स मैनेजर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग एक साइड में कैंपेन क्रिएट करेंगे विद हम लोग ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वन हैंड साइड हम लोग सेलेक्ट करेंगे रीच ऑब्जेक्टिव, ओके। तो यहाँ पर हम लोग एक नया कैंपेन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर फाइंड योर ऑब्जेक्टिव में आपको गाइस मैंने बताया स्टार्टिंग में अवेयरनेस के अंदर आपको ब्रांड अवेयरनेस मिल जाता है और रीच मिल जाता है, ठीक है। सो इस केस में हम लोग अवेयरनेस के साथ चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर गुड फोर क्या आ रहा है, रीच अवेयरनेस, वीडियो व्यूज एंड स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, राइट। और यही अगर हम यहाँ पर एक कैंपेन क्रिएट करते हैं विद रीच, डिफरेंस कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, जस्ट यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस गोल के अंदर डिफरेंस दिखेगा, दोनों चीजें सिमिलर हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने रीच सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू कर लो, ओके। यहाँ पर हम सीबीओ अपना बाय डिफॉल्ट वाला ऑन कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, एडसेट लेवल पे। सो गाइस, इसमें भी हमने रीच वाले में भी कर लिया, ठीक है, ये हमारा ब्रांड अवेयरनेस है और ये हमारा रीच है। अब गाइस, मेन डिफरेंस कहाँ है आपका, आप अवेयरनेस ही मेनली आप क्या कर रहे हो, अवेयरनेस ही कर रहे हो। अब अगर आपको रीच करनी है तो उस केस में मान लो ये हम बना रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन, तो यहां पर जो हमारा गोल रहेगा यानी कि परफॉर्मेंस गोल रहेगा वो रहेगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन। हमें क्या करना है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मेनी टाइम एज पॉसिबल, ठीक है, मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा बार वो दिखाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा आपके इंप्रेशन होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों को दिखेगा आपका एड। वहीं अगर हमारा गोल है रीच, मान लो ये रीच वाला कैंपेन है, ठीक है, ये रीच वाला ही है, ये सेकंड वाला रीच लेकर चला था,
ठीक है, तो यहां पर हमारा गोल क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग, मैनी पीपल एज पॉसिबल, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी एड दिखेगी। तो ये क्या हो गया, रीच हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा अवेयरनेस हो गया, हम बात ज्यादा से ज्यादा बार दिखा रहे हैं, मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। यहां पर क्या लिखा है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स to people as many times, guys notice करना यहाँ पर many times as possible, यहाँ पर many people as possible है, तो ये main difference है, ये है हमारा reach campaign और ये है हमारा awareness campaign, right? यहाँ पर हम aware करें, बार बार दिखाएंगे तो लोग aware होंगे, right? अगर मुझे बार बार कोई product की ad दिखेगी तो मैं aware हो जाऊंगा, ये भी एक product है, इसमें ये features हैं all, ठीक है? वही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, reach कर रहे हैं, लोगों तक बस पहुंच रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारा क्या होना चाहिए, यहां पर गोल, अवेयरनेस गोल क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, यानी कि वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी एड पहुंचेगी, ठीक है? तो ये हमारा जहां पर चेंज करना होता है, नहीं तो अगर आपका बाय डिफॉल्ट दोनों पे रीच ऑफ एड्स सेट रहेगा तो वो आपका रीच ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमें चेंज करना होता है एक रीच और अवेयरनेस कैंपेन में, गाइस। ओके, सो यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे और यहां पर सेम यूजर्स को हम बार बार दिखा के अपनी एड्स अवेयर करेंगे, अपने ब्रांड को अवेयरनेस होगी हमारी, राइट? तो ये गाइस हमारा मेन डिफरेंस है, हमारा एक ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन में और एक हमारा रीच कैंपेन में, राइट? सो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं हमारी कंपनी से, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक्स दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप उनको चेक कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें बिकॉज वहां से भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।